हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे होम रेमेडीज जो कि मैं खुद पिछले कुछ महीनों से ट्राई कर रही थी। ये एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये इसलिए क्योंकि ये डार्क सर्कल्स के ऊपर है। डार्क सर्कल्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एंड इसकी वजह से बहुत लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। इसके कई रीजंस हैं। अब हम इतना काम करते हैं तो रात को नींद नहीं आती या सोने का टाइम नहीं मिलता, बट कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से इसे ठीक किया जा सकता है और होम रेमेडीज तो मैं शेयर कर ही दूंगी, तो देरी किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। होम रेमेडी में हम ग्लो स्प्रे, अंडर आई क्रीम और कूलिंग आइस क्यूब्स बनाएंगे। नंबर वन है ग्लो टोनर। इस रिफ्रेशिंग टोनर को आप अपने फेस पे पूरे दिन में कभी भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप लेंगे एक फुल कप आलू का जूस। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी हमें इक्वल हिस्सों में रखनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप क्यूकम्बर का जूस। अब अगर आप चाहें तो इसमें इक्वल क्वांटिटी में रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं। रोज वाटर ऑप्शनल है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ट्रांसफर करेंगे एक स्प्रे बॉटल में। एंड ये रेडी है आपका ग्लो टोनर। ये टोनर इतना रिफ्रेशिंग है एंड क्योंकि इसमें पोटेटो जूस है तो अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो ये उसे भी लाइट करेगा। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि क्योंकि इसमें हमने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, आप इस टोनर को 4 से 5 दिन में फिर से बनाएं और इसे फ्रेश ही यूज करें। इसके अंदर का क्यूकम्बर आपको एकदम रिफ्रेश कर देगा और रोज वाटर आपके पीएच लेवल्स को बैलेंस करेगा। एक और टिप, इसे बनाने के लिए जो भी पोटेटोज और क्यूकम्बर आपने यूज किए हैं उसे फेंकना नहीं है, इनफैक्ट उसको हम करेंगे रीयूज। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने ऊपर क्यूकम्बर की लेयर लगाई है और नीचे पोटेटो की लेयर। इसे अच्छे से एक सर्कल की शेप देंगे और इसे अपनी आईज पे रख देंगे। पर्सनली मैं इसे यूज करती हूँ सोने से 40 मिनट्स पहले। अब क्योंकि इसमें पोटेटो भी है और क्यूकम्बर भी है, 20 मिनट्स में पोटेटो की साइड रखती हूँ और 20 मिनट्स में क्यूकम्बर की साइड रखती हूँ और उसको लगाने के बाद मैं सो जाती हूँ। ये स्टेप मैं स्पेशली उन लोगों को रेकमेंड करूंगी जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूज करते हैं या जिनकी एक्सेसिवली पफीनेस है या जिनको भी अपनी आईज को एक बहुत कूल हाइड्रेटिंग इफेक्ट देना है। इस स्टेप को पक्का ट्राई करो और मुझे जरूर बताओ कि आपको ये स्टेप कैसा लगा, बिकॉज मेरा ये फेवरेट स्टेप है। अब हम बनाएंगे ब्राइटनिंग अंडर आई क्रीम। इसे भी बनाना बहुत सिंपल है। इस क्रीम को आपने रेफ्रिजरेट करना है और आप इजीली एक हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए प्योर एलोवेरा जेल। उसके बाद हम लेंगे आलमंड ऑयल। इसकी कुछ 8 से 10 ड्रॉप्स डालेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल कंटेंट कम कर दें। इसके बाद 1 से 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स और इसमें मैं ऐड करूंगी पोटेटो जूस। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे किसी भी छोटे कंटेनर में और उसे रेफ्रिजरेट करेंगे। ये बन गया हमारा अंडर आई ब्राइटनिंग क्रीम। अब अगेन मेरी सजेशन यही है कि सोने से पहले ही इस क्रीम को यूज करें क्योंकि ये क्रीम थोड़ी स्टिकी हो सकती है। अपनी रिंग फिंगर से अपने अंडर आई एरिया पे बहुत जेंटल प्रेशर से इसे मसाज करें। हम रिंग फिंगर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारी रिंग फिंगर पे सबसे कम प्रेशर होता है। आप बहुत ही लाइट प्रेशर से कुछ 2 से 3 मिनट तक अपने अंडर आई एरिया और आईलिड एरिया पे अच्छे से मसाज कर सकते हैं। इससे आपके डार्क सर्कल्स तो जाएंगे ही बट आपकी पफीनेस भी रिड्यूस होगी। इस रेमेडी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो बहुत ही लाइट और कूलिंग नेचर के हैं। हाउएवर हर रेमेडी से पहले मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि इसे यूज करने से पहले आप एक पैच टेस्ट जरूर करें। अगर इरिटेशन या रेडनेस हो तो उसे यूज ना करें। लास्ट रेमेडी है कूलिंग आइस क्यूब्स। अब जो टोनर हमने पहले बनाया था जिसमें कि हमने पोटेटो जूस, क्यूकम्बर जूस और रोज वाटर डाला था, उसे हम आइस ट्रे में ट्रांसफर करके उसके क्यूब्स बनाएंगे। Isn't it so simple? अब इसे हम रेफ्रिजरेट करेंगे और जब तक आइस क्यूब बनेंगे तब तक हम वेट करेंगे। आइस क्यूब्स हो चुके हैं रेडी, तो अब हम इन आइस क्यूब से अपनी अंडर आई एरिया को मसाज करेंगे। आई होप कि आपको मेरे रेमेडीज अच्छे लगे हों। मैंने इन रेमेडीज को बहुत सिंपल रखने की कोशिश करी है। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। Until next time, bye guys!